आज सुबह सुबह उठते ही एक फ्रेंड का कॉल आ गया। इतनी परेशान है वो अपनी रिलेशनशिप्स के साथ, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने सास के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। कितने परेशान होते हैं हम। उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसके कुछ सहेलियां हैं जो उससे बहुत प्यार करती हैं। बहुत कुछ होता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात जरूर शेयर करूं, जरूर आप लोगों को बताऊं कि कितना जरूरी है ये समझना कि हमें अपनी खुशियां केवल एक ही जगह पर सेंट्रिक नहीं करनी चाहिए। कभी एक ही जगह पर अपनी खुशियों को कंसाइज करके एक ही जगह पर उनको स्थापित नहीं करना चाहिए। कि अगर हमारा हस्बैंड अच्छा है, अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तभी मैं खुश हूं। अगर मैं अपने ऑफिस में एक्सेल कर रही हूं तो क्या हुआ? अगर मेरी फैमिली लाइफ अच्छी है तो क्या हुआ? अगर मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं तो क्या हुआ? अगर मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं ऑफिस में एक्सेल नहीं कर रही तो मेरे पास खुशियां नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरे पास बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं, बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत अच्छा सा भाई है, एक बहुत प्यार करने वाली भाभी है, लेकिन क्योंकि मेरी सास अच्छी नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। क्यों हम अपने पास जितना भी कुछ होता है उसमें से सिर्फ उसी चीज को पकड़ते हैं जो अच्छी नहीं होती, जिससे हम खुश नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? मेरे पास भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो शायद मैं दोबारा से डिप्रेशन में चली जाऊं, शायद मैं दोबारा से अपनी लाइफ के बारे में बहुत गलत सोचने लग जाऊं। लेकिन मैंने सीखा है अपने जीवन में उन चीजों को पकड़ना, उन चीजों पर फोकस करना जो मुझे बहुत प्यारी हैं। मेरे बच्चे, मेरी एक दोस्त जो मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए खड़ी रहती है, मेरे हस्बैंड जो हर चीज में मेरा साथ देते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बोल जाते हैं, कुछ लोग मेरी सफलताओं को गलत चीजों के साथ जोड़ते हैं। तो क्या हुआ? क्यों मैं उन्हीं पे फोकस करूं? वैसे ही क्यों तुम उन्हीं चीजों पर फोकस कर रही हो जो तुम्हारे साथ गलत हो रही हैं? अभी अभी कुछ देर पहले किसी का फोन आता है मेरी टीम मेंबर्स के पास कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी और मेरी बहू की बिल्कुल नहीं बनती और शायद इसीलिए मैं किसी दिन सुसाइड कमिट कर लूंगी। अरे, बहू तो सिर्फ एक पार्ट है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारी वो बेकार फ्रेंड जो तुम्हें हर बात पे सुनाती रहती है वो तो सिर्फ एक हिस्सा है छोटा सा तुम्हारी लाइफ का। बाहर निकलो, देखो कितना कुछ है। मैं यहां पर रोज बैठती हूं जहां मैं आज बैठी हूं। बाहर पक्षी उड़ रहे होते हैं, सामने पार्क है, लोग हंस रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। कितना कुछ सुंदर है बाहर, अबंडेंस में है हमारे लिए। लेकिन हम देखते ही नहीं, हमें देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तो फोकस करना है गलत चीजों पर। ऐसा मन में आया ऐसे ही तो मैंने सोचा जरूर मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं कि अपना फोकस चेंज कर लो, अपना फोकस बदल लो और फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर, कितनी लुभावनी हो जाती है तुम्हारे लिए। आई होप इस छोटी सी वार्तालाप से, इस छोटी सी टॉक से हम लोग एक नया कदम उठाएंगे अपनी लाइफ में, हर अच्छी चीज पकड़ने का कदम। अगर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो सिंगल होने के क्या फायदे हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा घर नहीं है तो हमारे किराए के मकान में क्या क्या फायदे हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा हस्बैंड नहीं है तो हमारे पास कितनी सारे और अच्छे रिलेशनशिप्स हैं? देखो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, बाहर निकलो। जब हम उस प्रॉब्लम से अपना फोकस हटा लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। रिलेशनशिप्स अपने आप वापस लाइन पर आना शुरू हो जाते हैं। उनसे फोकस हटा लो, उन पे ज्यादा उनको तवज्जो मत दो, उनको ज्यादा भाव मत दो।
मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे मन से ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अपने जीवन को हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे चेंज कर पा रही हूं, वैसे ही मेरी सारी क्वींस चेंज करके असल मायने में क्वीन बन जाएं। आई लव यू ऑल।